नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आउट ऑफ इंडिया यानी कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूं, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से MBBS करना चाह रहे हो, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल करें। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट की लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा से क्या कट ऑफ रही थी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा 2020 में क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। दोस्तों तीन या चार ऐसे स्टेट हैं जहाँ की कट ऑफ अदर स्टेट की तुलना में ज्यादा रहती है। दोस्तों इन स्टेटों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इनमें पहले नंबर पर राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा आता है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको जो स्क्रीन है उस पर लेके चलता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 19,182 रैंक और 599 नंबर पर कॉलेज मिला। इस बार 2022 में 595 प्लस माइनस 5 नंबर है, आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर 19,427 ऑल इंडिया रैंक, 599 नंबर, और इस बार अगर आपके 595 प्लस माइनस 5 नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। EWS कैटेगरी की बात करते हैं, लास्ट ईयर 19,533 ऑल इंडिया रैंक। इसके अलावा दोस्तों अपन नंबर की बात करें, 599 नंबर पर कॉलेज मिला। अपन 2022 की बात करें, आपके अगर 595 प्लस माइनस 5 नंबर हैं आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों अपन SC कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 102,593 ऑल इंडिया रैंक, 480 मार्क्स पर कॉलेज मिला। अगर इस बार आपके 475 प्लस माइनस 5 नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। अपन बात करें दोस्तों ST कैटेगरी की, ST कैटेगरी में लास्ट ईयर आपको 110,519 ऑल इंडिया रैंक, 472 नंबर पर कॉलेज मिला। अगर इस बार आपके 470 प्लस माइनस 5 नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। इसके अलावा EWS PWD कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 590,577 ऑल इंडिया रैंक पर कॉलेज मिला। इसके अलावा अगर आपके 189 नंबर थे तो भी आपको कॉलेज मिला था। इस बार अगर आपके 190 प्लस माइनस 5 नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर, ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में लास्ट ईयर 215,003 रैंक पर और 383 नंबर पर कॉलेज मिला। इस बार अगर आपके 380 प्लस माइनस 5 नंबर हैं आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। अपन बात करें SC PWD कैटेगरी की, लास्ट ईयर 428,628 ऑल इंडिया रैंक, 256 नंबर पर आपको कॉलेज मिला। अगर इस बार आपके 250 प्लस माइनस 5 नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। तो आई होप आपको बड़े बारीकी से समझ में आई होगी। देखो पेपर का लेवल दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती घटती रहती है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स पर ध्यान ना देके आपको रैंक पर ध्यान देना है। मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आप इस रैंक के अंदर आ रहे हो तो 100% अपने आप को सुरक्षित समझें। बाकी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं, अगर जो ये रैंक दे रखी है आपकी से 1000 प्लस रैंक है तब भी आपकी कॉलेज मिलने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आप रैंक को मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस करें। इसके अलावा जल्द ही में बिहार स्टेट की स्टेट कोटा से क्या कट ऑफ रहेगी, फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा से क्या रहेगी, मॉपअप राउंड में क्या रहेगी, सारी वीडियो लेके आऊंगा। अगर अभी तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपकी पूरी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।